महाराजगंज जिले के लगभग 500 ग्राम प्रधान इकट्ठा हुए और महासम्मेलन के बाद में मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान वो नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, जिसमें वो जिलाधिकारी होश में आओ तक के नारे लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। इतनी भीषण गर्मी और रमजान के महीने में 4 किलोमीटर पैदल चलकर महाराजगंज के प्रधानों ने क्रांति का आगाज किया है। जिलाध्यक्ष विद्यासागर ने कहा कि यदि जिलाधिकारी महोदय अपना व्यवहार नहीं बदलते हैं, प्रधानों पर हो रही नियम विरुद्ध कार्रवाई रोकी नहीं जाती है, तो पुनः धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश प्रवक्ता सुनील लाठर प्रधानों के जोश को देखकर उत्साहित हुए और कहा कि प्रदेश भर में ऐसे निरंकुश प्रधानों को अपमानित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ संगठन अभियान चलाएगा। धरना प्रदर्शन सप्ताह चले, 10 दिन चले, आप सारी व्यवस्थाएं देखने का काम करेंगे तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि आपके दुख दर्द में अगर हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा और पूरे प्रदेश के साथियों को बैठाना पड़ा तो बैठेंगे। हौसला आपको रखना है, आपको साथ रहना है, आपको अपनी लड़ाइयां लड़ने के लिए आगे भी बढ़ना है। कमियां सबके कामों में है, अगर प्रधान साथी के काम में कमी है जिलाधिकारी महोदय तो कमियां उन लोगों। ज्ञापन देने वालों में नागेंद्र मल्ल, लल्लू सिंह, नन्हे सिंह, सूर्यमन यादव, शत्रुघ्न चौरसिया, महेंद्र नाथ, राजू दुबे, अरुण मिश्रा, बुधई सेठ, प्रणय गौतम, नंदलाल यादव, रमेश सिंह, कैलाश प्रजापति, वीरेंद्र राय, योगेंद्र यादव, गुड्डू ठाकुर, रामानंद यादव आदि तमाम ग्राम प्रधान मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजू दुबे ने किया और अध्यक्षता नागेंद्र मल्ल जी ने की। महाराजगंज में यदि प्रधानों के हितों के लिए धरना देना पड़ेगा तो लल्लू सिंह जी ने पूरे धरने पर बैठे प्रधानों के खाने रहने का खर्च वहन करने की जिम्मेदारी ली।